कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान में 5 किसान रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 13 फरवरी को अजमेर के किशनगढ़ से नागौर के मकराना तक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। राहुल ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत नागौर के रूपनगढ़ के सुरसुरा गांव में लोक देवता तेजाजी की निर्वाण स्थली पर तेजा मंदिर में दर्शन के साथ करेंगे। लोक देवता तेजाजी की राजस्थान, हरियाणा और यूपी में जाट समुदाय के बीच विशेष मान्यता है। जाट समुदाय तेजाजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। जाट समुदाय हर काम की शुरुआत तेजाजी को याद करने के साथ ही करता है। अब संयोग देखिए कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर हरियाणा और राजस्थान में किसान आंदोलन की अगुवाई यही समुदाय कर रहा है। राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता निर्णायक रूप में है। नागौर राजस्थान की सियासत में जाट कैपिटल मानी जाती है। राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ा जाट चेहरा हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आधार भी नागौर और जाट मतदाताओं पर टिका है। इसलिए राजस्थान से लेकर दिल्ली और यूपी के जाट मतदाताओं को संदेश देने के लिए राहुल गांधी न सिर्फ नागौर में जाटों के आराध्य देव की निर्वाण स्थली सुरसुरा में तेजाजी के आशीर्वाद से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस में बट गए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था। पश्चिम राजस्थान में कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के जरिए जाटों और किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। वहीं राहुल गांधी यूपी चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी इससे पहले 12 फरवरी को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 किसान रैलियों को संबोधित करेंगे। दरअसल पंजाब से सटे इस इलाके में वामपंथी दलों और बीजेपी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। किसान आंदोलन में राजस्थान में सबसे अधिक सक्रिय इलाके में से है। सिखों की भी बड़ी तादाद है। इन दोनों जिलों में किसान रैलियों के जरिए आंदोलन के बहाने इस इलाके में किसानों को वामपंथी दलों की ओर झुकाने, रोकने और पंजाब को भी संदेश देने की कोशिश होगी। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।